आज एक ऐसी कदीम आबादी की तरफ मैं लेकर जा रहा हूँ जहाँ पे एक गांव है, माजी की यादें हैं और वहाँ पे रहने वाले लोग आज बिल्कुल भी नहीं हैं। उनके रहन सहन, लाइफस्टाइल और वहाँ की जो हालत है वो आज भी देखने को मिलेगी, लेकिन आज वो लोग नहीं हैं जो इस गांव में रहते थे और वहाँ की आबादी किसी और नई आबादी में शिफ्ट हो चुकी है। वादी नगर के कदीम गांव की तरफ लेकर मैं जा रहा हूँ जहाँ पर आज वो आबादी नहीं है। उनके घर बार, उनकी गलियाँ, सब कुछ आज भी मौजूद है, लेकिन उस दौर में रहने वाले लोग आज बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं है, देखने को नहीं मिलेंगे। उनकी यादें मिल जाएंगी, उनकी रहन-सहन, ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल बिल्कुल देखने को मिलेगी। मगर ये है कि वहाँ पे जो उस कदीम ज़माने में रहने वाले लोग थे वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और जो नई नस्ल है उस गांव की वो किसी और आबादी की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। तो उस गांव का हमने अभी जाना है, दिखाना है आप लोगों को। मैं मुकम्मल तौर पर एक छोटी सी कहानी आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस कदीम आबादी के आसपास रहने वाले लोग बहुत से, यहाँ पे छोटे छोटे गांव है, इस तरह के रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, रास्तों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से जाते हैं और यहाँ से ये लोग आना जाना करते हैं। यहाँ से गाड़ियों का गुजर होता है, ये देखिए कच्ची सड़क है। यहाँ से अभी यहाँ से हमने जाना है, वहाँ पर गांव नज़र आ रही है, वहाँ तक हमने जाना है। ये ख़तरनाक रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल करके यहाँ के लोग आना जाना करते हैं, आमद और रफ्त करते हैं। ये दरिया के करीब बिल्कुल सबसे नीचे वाली रास्ता है जो उस गांव तक जाएगा। बाकी ऊपर के जो तीन चार रास्ते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम उन तीनों को छोड़ेंगे, सबसे नीचे वाले रास्ते का इंतखाब कर यहाँ से जाकर वो गांव पहुँच जाएंगे। मीनापी नगर वैली से आधा घंटे का सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम इस गांव के पास पहुँच चुके हैं। यही है वो कदीम गांव जिसको मैं दिखाना चाहता था। खाना बारा उलो जाते से सुलाया वा 400 500 सदियां निबसा खुलाई या तो ओहुरु शिव मयों खुलाई जमा बम मेरे कदीम रवाज मुताबिक यार बुजुर्ग शो ए तुम हुतम इमाम बारौल मी मजारी सिंह चवान और खुते तहफुज गने काफी कोशिश के बिचा मैलम चवा दिला तो मी जमाना वला की ताम तामीरिंग ए तुबान को यो को यो को ते मरिंग मरिंग हिरी बम ते जमाना वलो तो मोए खिल जो को हिरी में खोला पान तो प्राण प्राण हिरी बम तो कदीम ए तो वक्त तामीर ए तुम भी तो यार प्राण प्राण वो हिरी तेईस बम जंगल तुम डॉक्यूमेंट्स के बस की सुबह कहते 10 मन दिलो मुँह ताहाल मुँह तक दिला मुँह तक दिला तय बोले इमाम बारा बोल बनेंगे पूरा हूं नटे तुम दिला गमन तुम इथाना रहू नटे कोटोर से न दिले कोटोर से न दिले मुझ तुम मुझसे रहू नहीं दिला।
मिंबर यहाँ पे आज भी इस मस्जिद और इमाम बारगाह के अंदर मौजूद है। ये एक शेल्फ यहाँ पे बनाया गया है कुरान और किताबों को रखने के लिए। यहाँ पे भी एक शेल्फ है, तस्बीह और सजदगाह रखने के लिए उन्होंने बनाया था ये शायद।